जो क्या कर रहे हो भैया? फिल्टर फिल्टर मार या फिल्टर मारा है या ऊपर है फिल्टर है तेरा फिल्टर मार दिया तू स्क्रीन पे तुम क्या कर रही हो? ये फिल्टर मार दे हम भी मारें कितना मजा आता है पर है दिल्ली दिल्ली कैमरा खा रहेगा ये टापी खा रहेगा देखिए भाई अभी ये हमारा बंदा लटक भाई ये देखिए देखिए ये रहा मार दे मार दिया यूज़ दे मुट मारने वाला बंदा जिम मार रहा है नीचे से देखो सहारा ले करके हो बाइक में तेल डलाने जब हमारी बाइक में तेल खत्म हो गया था ना तो वही थोड़ा सा डलाएंगे गरीब नहीं है गरीब है ना गरीब है सर यहाँ पर डलाएंगे कि आधार रुपये में डलाएंगे आप यही पर डाल रहे हैं यहाँ 55 का डालेगा वहाँ पे 60 का डालता है आधा लीटर दे दे भैया पैसा ये 55 का तेल बड़ा है 155 जाएगी 55 पे 155 चलने वाली हमारी है भाई ऐसे उड़ी रहा है ये आ रहे हैं हमारे गांव के पवन सिंह सर आप कहाँ जा रहे हैं सर आप चल रहे हैं ऐसे ही छोटा मोटा प्रोग्राम देखने छोटा मोटा प्रोग्राम देखो हाँ अच्छा तो सर ये प्रोग्राम आए कहाँ पर ये चलो देख रहे हैं कहूँ ये कि देख रहे हैं बोला अभी आपको पता नहीं है हो जाएगा तो ठीक ठाक वरना कोई बात नहीं ना ठीक ये हमारे रही चोकरा एजेंसी जसवाल एजेंसी यहाँ पे चोकर मतलब बिकता है और बनता भी है यहाँ बना देगा हाँ यहाँ पे चूनी बनती है चूनी होती है वो जो जानवरों को खिलाई जाती है वो चूनी बनती है जानवर का होती है ये जानवर जो हम लोगों को पानी देते हैं मतलब जो हम पानी फल के रहे जानवर देते हाँ वो जानवर देते हैं ये रजिस्ट्रेशनरी हार्डवेयर यहाँ पे हमारा हार्डवेयर का सामान मिलता है ये हमारे गांव के खास प्रमाण की दुकान है ये रहे हमारे गांव के भुट्टा भुट्टा का आगरा जाते ये कौवा के दादाजी यहाँ क्या कर रहे हैं ये रही है पूजा सीमेंट वालों की गाड़ी यहाँ पे पंचर खड़ी हुई है हरे हरे भोला ये रही अंडों की दुकान ये अंडा कोई खा देगा अंडा खाता नहीं है अंडा पीस के चटनी बनती है चटनी मुझको भी खाना है मुझको भी खाना है ये कौवा की मम्मी यहाँ पे कर रही है अरे रिश्तेदारी है चाचा हाँ कौवा के नाना कौवा के नाना अपने फूफो को आए अच्छा आज का मौसम बहुत सुहाना है
है कि नहीं है? आज का मौसम एकदम है अल्लर, मेरे को भी देखने बल्लर। मुझे दिख रहा है आगे बल्लर। वाह सच में? जी जी। अभी हम लोग यहाँ पे टेंट लाते हैं स्टोर की दुकान पे, ये 60 रुपये का देते हैं। अब ये तो बनना रहा है वहाँ पर देखे तो देखे ना, फिर भी कोई गलत ना कहा उसका होने पर भी कोई का गलत कैसे ना बनाओ दिखने का नहीं दिखा रहे हैं ये लोग। आप इधर कहाँ जा रहे हैं? मैं इधर चल रहा है नहर का पानी पीने। ये नहर नहीं, मुझे तो लग रहा है नाला है। नाला है फिर भी हम पी लेते हैं इसका पानी। आज बहुत मज़ा आने वाला है इस तरफ। इधर बहुत मज़ा आने वाला है? क्या मज़ा आने वाला? क्योंकि यहाँ पे खेत के बीच में मंदिर बनी है, आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ मैं। देखिए हाँ, खेत के अंदर से मंदिर वो रहा। देखिए और ये सब देखिए हमारे खेत हैं। कौए की मम्मी पापा के लिए बोया जाता है। वो देखिए कौए चल रहे हैं, कौआ चल रहे हैं। और कौआ अलग बिरादरी से है ना, इसलिए अपनी मम्मी के साथ नहीं खा सकते हैं, इसलिए कौआ की मम्मी नहीं खाती है साथ में। देखो देखो ये रहे कौए के पापा, ये है कौए के पूर्वज, ये इनका देख देखते भागते हैं। और देखिए हमारे यहाँ इतनी गंदगी होती है रोडों पे, अभी हमारी गाड़ी पूरी गंदी हो जाएगी। और कितनी गंदी होगी भैया बताओ ना जरा, दिखा देते हैं आपको कितनी गंदी होगी। ये देखिए हमारी गाड़ी कितनी गंदी हो गई, एक पास का फटी कितनी गंदी हो गई है। देख लीजिए कितनी खराब रास्ता है। वो देखिए कौवा के दादाजी आ रहे हैं, तो कितने डेंजरस लग रहे हैं हम लोगों को। कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं है? कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं है? ओम फो निकल ले भाई, भागो भाई, भाग भाग भाई, भाग 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 भाई भाई से भाग माई भाई भाई भाग भाग मार मार देगा हम लोगों को। बस हेल्थ के लिए भी और जान के लिए भी हानिकारक, जान जाने का सही तरीका भाई। अगर आप लोगों को जान देना है तो हमारे से हम लोगों के लिए हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब करिए। हमेशा एक से एक जान लेते हैं। देखो इस बाग में हमारी शूटिंग हुई थी कल। हाँ इसी बाग में हमारे लोग की शूटिंग हुई है, अभी वो वीडियो आई नहीं है, कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। लेडीजों को मेरी व्लॉग पे मत दिखाना ठीक है? लेडीजों को दिखाना सबसे मना है जी। क्योंकि उनके आदमी शायद उनको मारे घर पे, इसलिए हम लेडीजों को नहीं दिखाते हैं। लेडीजे और ये रहा हमारा प्लाट जो हम 3 अरब में खरीदे थे और 1 अरब में बेच दिए, और 1 अरब में बेच दिए, इसमें हमारी कंपनी का फायदा हमारा घाटा हुआ। देखिए कल हम लोग आए थे इसी में, आज तो बारिश हुई पानी भर गया है, वरना आज हम लोग गंदगी फिर बाकी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर सूट रह जाता तो बहुत प्रॉब्लम होती, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी करके उसको पूरा कर लिए। ये देखिए हमारे वहाँ का पानी छोटा सा अभी भर है, गड्ढे देखिए हमारे वहाँ के रोड के भी गड्ढे हो गए हैं, रोड के बीच में लड़कियां भी आती हैं पर हम लड़कियों को दिखाते नहीं हैं। ये रहा हमारा लोगों का खेत, लखी है बदलाव उनका। ये देखो ये हमारे लोगों का
अपने खेत पूर्वजों की पार्टी है। हम लोग अपने खेत के धान दिखा रहे हैं। चलो भाई खेत के धान दिखाएंगे। ये देखिए भैंस, ये देखिए कौवा नहा रहा है। चली खा पानी चली और नालम पानी कर देखा। हाँ ये दिखाते हैं हम लोग अपना खेत आपको। चलो सीढ़ी ने भाई लंबी चला हम आपको धान दिखाते हैं अपना। आज हम लोग देखिए पेड़ गिर गए हैं, बहुत जोर से आंधी आई थी। देखिए ये भी पेड़ गिर गया है। आज मैं खाद डालने वाला था पर पानी गिर गया, मॉर्निंग में डालूंगा कल। आइए 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 आप इस तरह मैं जा रहा हूँ, इसी तरह आप आइए। पार में मिट्टी लग जाएगी। ये रहे मेरे खेत। अभी ये जल्दी लगा था धान वाला, कुछ दिन पहले लगा था। हाँ वो उसको हो गए हैं 20 दिन। अभी इस पे 2 पानी लग चुके हैं अभी, और अभी कुछ दिनों बाद पानी और लगेगा। हमारे यहाँ पानी बहुत सूखता है। अभी इसमें हमारे खेत में खर बहुत हो गया है, इसे निकालने वाला हो गया है। कुछ दिनों बाद मैं दवा डाल देता हूँ। 3 दिनों बाद बहुत ज़्यादा भादा वादा हो गया इसमें, देख लीजिए। यहीं पर कर लीजिए। हाँ कर लीजिए कर लीजिए। अभी भी देखिए कितना ज़्यादा हमारे लोगों ने अब कुछ 2-4 दिनों बाद इसमें सब खाद वाद पड़ेगी और दवा भी पड़ जाएगी, तो हम लोगों का ये खेत थोड़ा सही होगा। खेतों को जानवर बहुत ज़्यादा जल लेते हैं, इसीलिए ये सब तार वार बने हुए हैं। तार ना बांधे तो एक भी ये धान होना सब चर जाएगा। इधर देसी धान लगा है, इधर भी देसी धान लगा हुआ है। बंगाल कंचन की पत्ती का और 90-90 का धान की पत्तियों का वो देखिए। ये 90-90 है धान, इसकी पत्तियाँ देखिए नुकीली और सीधी रहती हैं। ये रही इसका पेड़, देखिए कितना घना होता है। और हम आपको दिखा रहे हैं अब बंगाल, वो 90-90 था। ये अब बंगाल देखो, ये रहा बंगाल। बंगाल देखिए ज़्यादा इसकी पत्ती ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, और ये नीचे से पतला रहता है, और ये बहुत जल्द पैदा होने वाला था। ये बहुत रफ्तार से चलता है, जैसे मान लो कि क्लस्टर का पेड़ इतनी रफ्तार से भाग रहा है। देखिए वो देखिए वो 20 दिन का है, और ये अभी 10 दिन का हुआ है, और आगे का तो भी 1 ही हफ्ते का हुआ। 20 दिन वाला भी इतना बड़ा है, और ये भाई ये तार क्यों लगे हैं? ये तार जानवरों के लिए क्यों, कौवे खा लेते हैं क्या? और हाँ आपको 44 धान देखिए कितना घना है, कितना मस्त। देखिए दूर दूर तक खड़ा हो गया है। एक महीने का धान, ये 1 महीने का है। 44 धान का नाम है। और वो बगल में हम लोग जानते हो उस तरफ पाकिस्तान है, वहाँ पे रात को आते हैं, सताते हैं बहुत बड़े बड़े क्या भूत। और छोटू भाई और ये पूरा इतना मोटा पत्ता लग गया इसमें, क्या वो एक्स्ट्रा रह गई थी जो हम यहाँ पे डाल दिए। वो पानी सारे खेतों में बड़ी
पानी देने वाली चीज को इतना गंदा क्यों है आखिर? आखिर इस पे क्यों जोर जोर में किया जाता है? इसको पक्का बनवाया जाए प्रीमियम अल्ट्राटेक। और हाँ ये क्या है भाई, देखिए ये हम लोग खाते हैं तुरई, हम लोग खाते हैं, हालांकि आप भी लोग खाते होंगे। ये रही यहाँ पर एक तुरई है, ये रही यहाँ पर, यहाँ पर रोड दिख नहीं रही है फिर भी हल्का हल्का दिख रही है। चलिए और ये इतने में कितनी तुरई आ जाती है? दो तीन दिन में एक घवाई। लमसम घवाई कितनी बड़ी होती है? लमसम किलो किलो के हिसाब से बताइए, किलो के हिसाब। दो तीन दिन में देखिए गाइस, बिन मेहनत करे दो तीन दिन में आ जाती है 2-3 किलो। भाई मेहनत तो लगती है यार, पानी लगाने में, धूप में मरना पड़ता है, इसलिए सॉरी बगैर मेहनत का बताया मैंने, इसमें बहुत मेहनत लगती है। क्यों पानी लगाओ निराओ, धूप में आओ, धूप में जाओ बेचो सब्जी। ले आप तुम्हारी बारी, तुम बाग के बारे में कुछ बता दो। आम ये इस बाग में आम बहुत आता था पहले, अब इस टाइम इसमें आम खत्म हो गया क्योंकि पेड़ों में वो दम नहीं रहेगी, बहुत पुराने पेड़ हो गए हमारे यहाँ के, अभी कुछ दिनों में पेड़ सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे आम ये पेड़ हमें लगा दशहरी का, ये यहाँ पे कुछ बांध दिए थे तार, तार मुझे लग रहा बांधा गया था, इसीलिए यहाँ पे ये छोटा है। जो इस बाग को देखता है बहुत बदतमीज बच्चे लोग, अगर इतना पैर बांध जिंदगी भर तो बांधने से होता है कि पेड़ में भी गीठा पड़ जाता है, तो वो इसी तरह अपने को मछलियाँ हैं। अब मैं जा रहा हूँ, अरे भाई हमारा लोग का भी फ़ोन गिर जाता, फोन फट जाता तो हम लोग का नुकसान भी रहता और वीडियो भी नहीं बन पाती, बड़ा ब्रेकर आ गया। इसीलिए कहता हूँ मेरे यहाँ के जो नगर पंचायत के वासी हैं भाई, कृपया करके ये हमारे लोग की रास्ता बनवा दीजिए, आने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। अभी अनाज हम लोग का जब ये खेत से जाएगा तब भी बहुत प्रॉब्लम होगी। ये रहा लीची का पेड़ हमारे वहाँ, ये रहा कदम का पेड़। कौन सा है लीची का पेड़? ये है लीची का पेड़ जी। हाँ ये लीची का पेड़, ये लीची का पेड़ है, वो लीची आती है हम के टाइम आती है और इस टाइम है। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें कदम लगे हुए, देखिए ये देखिए कदम लगे हुए, देखिए बहुत कभी देखा है कदम नहीं देखा था, हमको फॉलो कर रहा है ये कदम, कदम पे देखिए कदम आने वाले, आगे दिखाते हैं हरदम, आगे दिखाते हैं इस वीडियो में भी दम आने वाला ये कहेगा कि है मैं वीडियो में। ये है गुइया, ये गुइया की खेती है, ये गुइया इसमें पैदा होती है। अभी ये दो तीन तीन चार महीने बाद देखी तो गुइया निकलेगी जमीन से अंदर। ये घर नहीं है, यहाँ पे बैठ कर अंडाना था, ये अंडाना जैसा तो इसमें धान वान गेहूँ देख कर खाया करते थे। ये है मिल्खा की जर, जड़ ये खुदे के दिन में 4-5 महीने के बाद क्या में धान लग जाएंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट लगेगा। ये रही लगेगा सरसों, ये रही हमारे वहाँ की स्टैंड फैक्ट्री, ये स्टैंड फैक्ट्री जिसे फ्रिज का स्टैंड होता है, बस किसी चीज़ का मतलब स्टैंड होता है, वॉशिंग मशीन का स्टैंड, मोबाइल का स्टैंड, हर नहीं मोबाइल का स्टैंड नहीं है, बस कार ये तो कर्म, ये तो मर्द पिक्चर वाली माँ हो गई है, अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रखती है, इनका बेटा खो ही जाता है हमेशा। ये देखिए ऑटो आ रहा, बच्चा ऑटो के पीछे बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, ऑटो रुक जाते बच्चे अभी मर जाएंगे सारे। देखिए झाड़ झाड़ बड़े बच्चे हैं, कभी ये लोग दौड़ते हैं, रुकवाया जाए ऑटो बंद करवाया जाए काम होते में फिर चला चलाइए गाड़ी। आप Thank you.
गिरने वाला है बहुत जोर से। पानी बादल बन गया, देखिए बादल बनने लगे, ये देखिए बादल बादल कर गया घर कर घर पानी बनना। ये रहा मेरे सुजीत का भाई का घर, अभी बना नहीं है, वो यूट्यूब से बनाएगा तो ये घर बना। बस आप लोगों का दुआ है कि सारी वीडियो अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, नहीं बात बारिश होने लगी है इसलिए आप बारिश आ रही है काफ़ी तेज़ी से। आप हमको लग रहा है कहीं रुकना पड़ेगा, बारिश होने लगी हम लोग ब्लॉक बनाते बहुत अच्छा खासा है, वरना मुझे लग रहा है रुकना ही पड़ेगा बहुत जोर से बारिश हो रही है। देखिए लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं, कुंडी के साथ गाड़ी चला रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा कौवा का डाटा अपने घर दौड़ने के लिए लग रहा है, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा बहुत जोर से बारिश होने लगी है। जोर से नहीं रुके हैं, चले भैया आप चलो, आप नहा ही नहीं, नहा ही नहीं अगर पानी चला गया तो बात नहीं है। ये तो वो की मम्मी बीच में क्यों आ गई, अरे इनको भी अपने घर जाना है ना बारिश, इनका भी घर होता है क्या, इनका भी घर होता है, इनके तो बड़े बड़े घर होते हैं, हम लोग से बड़े घर है ना इनका, इनका बिस्तर बहुत बड़ा होता है। इस कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ा है पहले स्कूल में, तो यहाँ के मास्टर जी थे हम लोगों को बहुत प्यार करते थे, प्यार करते करते हम लोग को लॉलीपॉप खिलाया करते थे, बहुत खिलाए बहुत लॉलीपॉप खिलाए। ये देखिए हीरो हमारे गांव के, ये हमारे गांव के हीरो, और वो रहे हमारे गांव के हीरो, ये रहे हमारे गांव के हीरोइने, देख लीजिए क्या कर रही है हमारे गांव की, ये है आंटी, बंद कर चलने दे चलने दे। हेलो गाइस, हम अपने घर आ गए, अभी हम लोग अपने घर पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच दिए हो गए हैं, अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं अंदर, जल्दी चलो ना भी जाएंगे भाई, जल्दी अब चला करेंगे, कोई गाड़ी जब खड़ी हो जाएगी तभी चलिए हट जाइए। अब लोग अपने घर आ गए हैं, गाड़ी इधर घुमा के आएंगे। अबे नीचे हाँ लगे रहे, नीचे रख के पूरा एक बार फिर से उठाओ। देखिए गाइस, ये टॉयलेट करने जा रहे हैं और ये गड्ढे में कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ये गड्ढे पाटने हैं, बस ये गड्ढे पाट रहे हैं भाई, पर ये कहां तक ऐसे ऐसे पाटेंगे, खुद पट जाएंगे पर ये गड्ढे नहीं पट पाएंगे। भाई तो आप गड्ढे पाटने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो, वाह मिट्टी के कटाव से आप पाटना चाहते हो, वाह भाई यार क्या दिमाग है, यही तो यूपी वाले फेमस है भाई, इसीलिए तो यूपी इतना आगे बढ़ रहा है, इसी में दौड़ दौड़ के पलटा होती आपको पता है ये, सर मुझको नहीं पता था, अभी आपने तो बताया आपको, वाह भाई दौड़ से अक्ल पैदा करते हो भाई, वो कैसे पैदा करते हो, तो पैदा होती है कैसे पैदा होती है, दौड़ से कैसे पैदा होती है, अरे गाड़ी से लगा नहीं सकता, वाह भाई तो आप क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि गड्ढों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाइए आप, क्यों सर इसमें गिर जाएंगे ना बच्चे, निकलते हैं बस क्यों, बच्चे मर जाएंगे भाई, बस गिरी तो ब्लास्ट हो जाएगी, हाँ यार इसको तो बंद करवाना पड़ेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अरे यार तुम टेंशन मत लो, हम अभी कल ही जाएंगे योगी के पास, सारा गड्ढा बंद करवा देंगे, वरना एक एक भाई हम पैर छूने जाएंगे,
बैठ सही करवा दीजिए ना इसको। चलिए चलिए हम आप लोगों की मदद करेंगे। देखिए जैसे लग रहा है इसमें भूत हो, कितने लंबे लंबे गड्ढे। ये देखिए दौड़ रहे हैं हमारे वहाँ के घोड़े, हमारे वहाँ दो पैर वाले घोड़े। ये देखिए 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 भाई, और भाई और भाई कहाँ जा रही है। देखिए हमारी बाइक जो कीचड़ से बहुत गंदी हो चुकी है। वाह भाई। हाँ गाइस अब हम लोग आगे थोड़ा जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या। अब गाइस हम चल रहे हैं आगे। वाओ आगे गधा आ रहा है। ये भाई गधा है कि घोड़ी है? ये सर बकरी है, बकरी। यहाँ हमारे की बकरी देखिए तो बकरी बकरी कितनी लंबी लंबी होती है भाई। वो बकरी थी तो जी जो ये आगे आ रही है क्या है? वो छगड़ी है। वाह छगड़ी ऐसी होती है, बकरी वैसी होती है। जी जी। तो भाई ये ऑटो यहाँ पे चौराहा है क्या? सर चौराहा नहीं है, इसके इसका पेट गड़बड़ा गया था, लेटरिंग करने आते हैं। वाह खेतों में ऑटो से लेटरिंग करने आते तो भाई ऑटो का सर पेट गड़बड़ गया। अच्छा ऑटो का पेट गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे लेटरिंग करने आते। तो भाई जो पीछे सर इसका क्या है? ये भाई हमको लग रहा है इलेक्ट्रिक है। इससे फिर क्या होता है? इससे हमको लगता है कुछ जाए, हमको लगता है इसे बकरी को ले जाया जाता है। बकरी को ले जाता है जी। और सर ये क्या है? ये हमको लग रहा है बकरी। ये गधा तो लग रहा है मुझे। गधा है नहीं, ये लाल लाल क्या होता है? अरे ये कौवा है, कौवा। वो देखो काला काला कौवा। देखिए सर। हाँ सर वो देखिए काला काला कौवा। वाह यहाँ के कौवे कितने, यहाँ पे कौवे के चार टांग होते हैं। यूपी वालों की तो बात ही अलग है। अरे उनकी बात ही अलग है क्योंकि वो सब बहुत बड़े वाले हैं ना सर। सर ये सब क्या है? सब बड़े बड़े ये कौवा के पापा हैं सर। इतने काले काले पापा और क्या कौवा तो ये कौवा के पापा हैं। इधर चली आ रही है वो पूरा दिखा। अभी आप कहाँ चल रहे हैं? कहाँ जा रहे थे आप? अब हम चल रहे हैं हड़ियाकोल। हड़ियाकोल में क्या होता है सर? आप चलो नहीं जाएंगे यार, हड़ियाकोल नहीं जाएंगे यार, यहीं से चल रहे हैं। यहीं से मोड़ते हैं अपनी बाइक को और हम आपको दिखाएंगे मसूदपुर। हाँ मसूदपुर गाँव। अच्छा सर वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है कि दो चार लड़के और दो चार लड़कियाँ घूमा करती है। घूमते घूमते क्या करते हैं लोग? वो घूमती घूमती मारती हैं कुछ मारती है। ये सर यहाँ पे है, यहाँ पे सर क्या है, कुछ सब्जी लगी है क्या? यहाँ पे बाहर चलने वाली दवा देते हैं, जैसे वो टकरा के जा रहा देखिए उसका बाहर चल चुका है, माल चल चुके हैं। सर यहाँ पे इतनी ईंटे ईंटे क्यों रखी हैं सर यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे पहले भट्टा था, अब हट चुका है तो ईंटे रखी हैं। जी जी सर आप जितना सब जानते हैं। नहीं मेरा ही देश है तुम जानेंगे। जैसे कि आप ये जानते हैं पेप इसलिए है बकरी को पानी पिलाने के लिए। बकरी को पानी पिलाने के लिए सर? जी जी बकरी का। और ये जो ये सब पानी भरा है हम लोगों के लिए भरा होता है। जैसे कि अब ये पानी भरा हुआ है, ये पानी इसमें हमारे वहाँ कच्चा पीछे, अरे कच्चा है हमारे वहाँ। और ये हमारे वहाँ बिक्की जो गाड़ी में पीछे बैठे हैं बकरी आई थी, ये हमारे गांव की बकरी आई ये हमारे को सर ये कर दिखा रहे हैं क्या सर? ये हमारे वहाँ की पपाया आ रही है दिल्ली। कौन सी नजर है? धान है ये, अभी छोटा सा सर, अभी ये 10 किलो का हुआ है, अभी 10 किलो का एक गद्दा पानी मेरा लंबा पीता। वाह तो आप अपने लड़की को ताकत दिलाने सर वो इमरजेंसी बूस्टर वाला पानी है ना सर, उसमें काल क्या बात कर रहा हूँ। जी जी तो उसी में सर अपनी लड़की को मिला दिया ना जी। तो मेरा लगा सर उसके ताकत आ गई सर, वो लेता था वो बहुत बीमार था, बुखार आ गया था, खांसी का दर्द था, उसे पिलाए तो उसकी सर तुरंत ताकत आ गई सर। वाह तो मैं भी पिलाऊंगा अपने लड़कों को, बॉडी बिल्डर बनाऊंगा, रोमन रैंक जैसे रेसलर से लड़ाऊंगा। सर रोमन रैंक कौन है? रोमन रैंक को नहीं जानते हो भाई? रोमन रैंक कहाँ के हैं सर? ये रोमन रैंक लंदन के इंग्लैंड है। लंदन? सर लंदन कहाँ? लंदन ये हमारे मतलब हमारे घर के बगल में है। अच्छा आपके घर के बगल में? सर कभी ले नहीं गए? चलो कल चलते हैं भाई। ठीक है कल चलते हैं। और ये हमारे वहाँ का पानी, ये खाना है खाना हम जी। हाँ हाँ मारा नहीं,
अभी शाम को जब तुम चलोगे मेरे घर पे, ये पानी इसमें भरा था, ये हमारे वहाँ का मतलब बड़े बड़े गांव शहरों में देखते हो स्विमिंग पूल, तो ये वही हमारा स्विमिंग पूल है। ये किसका गांव है ना? ये हमारे बाजू वाले चच्चा, ये बाजू वाले चच्चा का गांव है, डाकड़ी का गांव है ना ये, यहाँ पे डॉक्टर जी की दवा ले आना थे ना जी, उन्हीं का गांव है ना? पता नहीं हमको, पता नहीं आपको कैसे पता, आप तो भाई रहते हैं। मुझे मतलब पलिया डॉक्टर बोल रहे, पलिया डॉक्टर जो बोल रहे वही बता रहे थे। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? पूरा देश हो गया टू पी, देखिए ये हमारे ये बत्ती है, ये सर हमारे वहाँ से लाए, लेकिन एक कितने सर यूपी वालों का दिमागी तो है। ये देखिए हमारे वहाँ का सर बिड बॉक्स, इसके अंदर सर हथियार रखे हैं, वहाँ इकट्ठा करते हैं, इसके अंदर तो खाने की सामान रखी हैं, इसके अंदर सर ये कौन सी बला है? ये हम भूल गए नाम याद था, अभी बता रहे हैं इसका नाम। हाँ ये पपाया जो जानवर है, पपाया जानवर, ये कहाँ पपाया की तरफ, कहीं कहीं पाया तो कहीं कहीं पाया, इसीलिए इसका नाम रखे हैं पपाया।
हैं सर, आप बहुत जानते हैं सर आपको, इसीलिए सर आप आपके साथ घूमते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ दो दिन रहोगे तो तुम भी ऐसे हमारे जैसे पपाया हो जाओगे। अच्छा, हम कभी नहीं पाएंगे किसी को, हैं ऐसे पपाया बन जाएंगे, तुम भी पपाया हो जाओगे। दोनों के ना टांग लटक रहे थे, वो पंछी हैं, रात में खेलते हैं ये लोग। अच्छा, ये दोनों खेलते हैं सर, आप पंछी हैं? किसके अंदर है? पता नहीं है, पता नहीं क्या। मेरा नाम पपाया, पपाया मतलब पापा, पापा हमारे यूपी के लाल आए हैं यहाँ पे विक्की नरवा हुआ है। गीला कैसे लगाया है गीला? अरे लगाया ये गुलगुला है, गुलगुला एक बार हमने देखा, पहली बार हमने देखा। वाह भाई, आप लोग तो तैयार हो। तैयार नहीं सर, हम लोग लड़के हैं। अच्छा लड़के हो, बड़ा जो है तो आपके अंदर इसका दिमाग कहाँ से आता है? दिमाग तो बचपन से था। बचपन से था? हाँ सर, इसके अंदर थोड़ा तेल डाला गया है सर, इसकी डिपोजी हो गया है। नहीं, इसके लेटरिंग हो रही थी तो ये लेट करने बैठने जा रहा है, लेटरिंग करने। ये हमारे यूपी का है चौराहा, यूपी का चौराहा अक्सर मतलब यहाँ पे ज़्यादा कटियाब आ जाते हैं ना, तो एक एक आबादी क्षेत्र चौराहा है ये सोना पड़ाते हैं यहाँ पे ज़्यादा लोग। ये ट्रॉला नहीं, ये ट्रेलियाँ हैं सर। ये रथ यहाँ पे भी है? ये रथ बहुत चलता है ना हमारे वहाँ, ये रथ रथ के नाम से फेमस है। बिल्कुल। ये कौन सा वाहन है? ये घोड़ी चढ़ी सवार, सवार गई टूट तो हम ले आए घोड़ी के चार पैर वाली रूट, क्योंकि इसमें चार पैर होते हैं। दो दिखते हैं पर दो इसके पैर जो हैं, दो जो इसके अंदर होते हैं और दो जो तुम चलाते हो वो दो, इसलिए इसको चार कहते हैं। सर ये सामने कौन सी जा रही है? और यार ये तो हमारे वहाँ नई आविष्कार से निकली है कार, ये तो हम लोग बोलते हैं कार। पैसा आया था बच्चा खाए, ये तो माता भागे मुड़ाए थे। ये ये भारतीय पेट्रोल, पेट्रोल हाँ ये डाला जाता है। कहाँ डालते हैं सर? ये मशीनों में डालते हैं। कौन सी मशीन? जो रात में डाली जाती है। वो मशीन तो नहीं सर, कपड़ा सिलने वाली? कपड़े सिलने वाली मशीन ही में डाली जाती है। हमारे गांव में लोग चलाते तो हैं वाली मशीन, पर यहाँ से लेते हैं? ये यहीं पर मिलता है या ऐसा ये ऐसी ये चीज़ है यहाँ से निकलती है? जितना आगे जाओगे उतनी खराब रोड मिलेगी। तो सर इसके लिए कोई सोल्यूशन तो ढूंढिए सर आप। अरे यार सोल्यूशन तो मिला था पर वो क्या करे यार, खो गया सोल्यूशन, खो गया नहीं खोया तो नहीं था, हालांकि हमने उसको पूरा पैक किया था, रखा था, पर वो खो गया जब। गलत डिलीवर हो गया क्या? वो मतलब दूसरे बंदे के हाथ में चली गई तो दूसरे पाकिस्तान में चली गई यार, वो पाकिस्तान से था खा रहा यहाँ पे। सर ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है? तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारे वहाँ का जो एक फैक्ट्री निकली है पेलपोला। कौन पेलपोला? ये पेलपोला नाम की फैक्ट्री चल रही है। इसको पेलपोला पल, जब पल, जब तुम्हारे पल के अंदर पोला होता है पल, उसको पल और हर पल के लिए उसको बनाए हुए हैं पोला, इसीलिए इसकी खुशबू आती है। सामने वो जो दिख रही है तू? अरे वो फैक्ट्री को अगर देखना है तो हमारे साथ ले रहिए जी, आखिर में दिखाएंगे। अगर वीडियो काट के देखोगे तो हम नहीं दिखाएंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। पूरी वीडियो यहाँ से आराम पार बनाओ, हम तुमको ले चलेंगे क्योंकि वो फैक्ट्री मैंने ही बनवाएंगे। अरे यार ये हमसे परमिशन लेते हैं, कहते हैं सर आपके वहाँ फैक्ट्री के आगे लगा लें, पर हम कहते हैं ये इसमें सेफ रखें, सेफ जो इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। सर ये कौन सी? अच्छा ये सर उनके बाप है ना? नहीं दादी माँ की अम्मा है, कौआ की है। सर ये सर क्या पड़ी हुई है? ये मतलब ये खड़बड़ खड़बड़ होता है। खड़बड़ खड़बड़ मतलब? खड़बड़ मतलब गाड़ी उलरती है। गाड़ी उलरती स्प्रिंग है सर? हाँ स्प्रिंग है, पड़ी हुई है ना? ये देखो स्प्रिंग है, इस पर गाड़ी
बनवा लो यार, बना लो अपना, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी बना के अपलोड कर देंगे हम, ये सर थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं। सर ये आपका फार्म हाउस है क्या? ये मेरा फार्म हाउस है और यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ सर, फक भी करते हैं क्या? ये फक क्या होता है, इंग्लिश पढ़े नहीं, गाली फक से खाना खाते हैं ना। हाँ हाँ खाना ही खाते हैं। डिनर ये तो सारी सही, इसको अगर पी लो भाई तो नशा चढ़ जाएगा। ये भरा हुआ है? हाँ ये सब भरा है, बहुत अच्छा अच्छा पानी। रियल जूस तो नहीं है? ये रियल जूस ही है। आपने बोला यूज़ का रियल जूस है ना सर? जी जी सर। ये कौन सी जूस है? ये उसी की मम्मी है, बड़ी है ना। बड़ी मम्मी है? नहीं नहीं ये बड़ी होंगी, अभी शाम तक ये बड़ी हो जाएंगी। इनके मौसम के हिसाब से बड़ा होता है, वो खड़ा होता है। अच्छा, अभी धूप आएगा तो ये पूरा अपने आप को बड़ा कर लेंगी। अच्छा, इनका रूम रूम बड़ा हो जाता है? हाँ, रूम में बड़ी और छाँव में होती हैं ये चुपचाप खड़ी। सबसे बढ़िया है ये हमारे वहाँ फ्रांस में सर नहीं है। आप कहो तो आपके वहाँ भी बनवा दें। चलिए आपके वहाँ कर ही लो। सर हमारे यहाँ यूट्यूब में सर रोडे वोडे से सही करवा लीजिए। अगर रोटे तंग जाएंगे तो हम लोग भी पैसा कहाँ खाएंगे। अच्छा, दिमाग है आपके। हाँ, अब ऐसे अगर कोई आया इसी रोड का पैसा खा करके आप फ्रांस जाते हैं, घूमते हैं इसी रोड का पैसा खा करके तो हमने वो बाजू में जो अभी फैक्ट्री दिखाए हो। अरे फैक्ट्री है, फार्म हाउस तो बगल में बना हुआ है। हाँ सर, ये बहुत जोर गाड़ी क्यों चलाते सर? इतनी रोड टूटी फूटी रोड है अभी सर। ये अभी बुड्ढा नहीं लेना, बुड्ढा जानते हैं? बुड्ढा किसको कहते हैं? बुड्ढा सर नहीं जानते हैं। जो मतलब गिरने के बाद छीला छाला होता है उसी को कहते हैं बुड्ढा। अच्छा, छीला छाला सेफ तरह हो जाएंगे? हाँ हाँ, ये सेफ की जर तरह हो जाएंगे चीने। सर ये गुरु गुरु लोगों में लग रहा है सर, उनके वही कौवा हैं, कौवा के दादाजी हैं ये। दादाजी हैं बता रहे थे। हाँ कौवा के दादाजी के पिता हैं जी। सारा पैसा एक रोड का खा के हमने फैक्ट्री बनवा ली है। अब पैसा अभी एक बार फिर पास करवाएंगे, फिर रोड एक बार पास करवाएं। 1,82,00,000 रुपये आया था, जिसमें से 82,00,000 लगा के स्प्रिंगे डलवा दी रोड पे, बाकी 1,00,00,000 फैक्ट्री में लगा दिया। फिर ये कौन सा वाहन आ रहा है? इसमें एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं। हाँ कर चोत बहुत खराब सर आपके यहाँ यूपी में गाड़ी लोग चलाते हैं। हाँ अरे यार ये ठेला चला रहे हैं। ठेला है? ठेला है सर। हमारे वहाँ से गाड़ी कहते हैं? नहीं हमारे उसको ठेला कहते हैं। तो ये आपके वहाँ का माइक ही कैसे? अच्छा पानी पीने वाला बकरी हुआ। सर ये कौन सी चीज़ है? सत्यदास कुछ लिखा है सर? ये सतनाम पास्ता उमर खेल सजा स्कूल जेल। हाँ अरे हाँ जेल से गलती से निकल। ये स्कूल सर बहुत खराब है रोड आपके। क्या करे यार, पैसा आता है तो मनीष खाता है, मोहल्ले में कुछ और बताता है, गांव में चुप्पे, गांव के बाहर जाके फैक्ट्री चुप्पे बनवाता है। गलत करते हैं आप? गलत करेंगे नहीं तो हमारी इज्जत कैसे होगी लोगों के बीच में? क्या सर जी, आपके बारे में लोगों को पता नहीं है? पता चल जाए। पता चलने दो, हम नहीं डरते हैं किसी भी चीज़ से। हमारे मोहल्ले में हमसे जलते हैं, जल जल के मर जाएंगे काटे, और घोसड़ी वालों का लंड नहीं होता। आप यहाँ यूट्यूब में बहुत मज़ा आया मुझे, रोटे जैसे ये पसंद भाई। मेरे वहाँ पर घूमोगे ना अभी तो ये तुमको सिर्फ कोने का कोना दिखाया है। कोना दिखाया है? हाँ कोना। कौन सा कोना? ये कोना है ये साइड में जो सबके बीच में कोना होता है वो वाला कोना है। अच्छा अच्छा। हाँ यूपी का बीच का कोना, यूपी का बीच वाला कोना। हाँ अच्छा। पूरा कोना देखना, कोना ही घुमा दे सर। बहुत बड़ी बात सर, आप आए थे, आप कौन सा कुछ नहीं घुमा पाए सर, इसके लिए सर सॉरी। किस बात की यार? सॉरी की सॉरी कहने की कोई बात ही नहीं। ये खाना रख रहे हैं,
वो जो डिब्बा है उसी में खाना रखेंगे रात में। खाना ही रखते तकलीफ पड़ती है। बैंग बैंग हमें लगा तो टायर फटता है। टायर तो बहुत कम फटता है। सर ये सब दीवार, ये दीवार पता नहीं हमको घूर क्यों रहा था लड़का। ये लड़के की आँखें बड़ी पिछले घूर रहा था, इसकी कभी नहीं इसकी खड़ी है, इसकी कभी ना होगी खड़ी। हमने इसको शराब दिया है ना। अच्छा जरा ब्रह्मा जी हैं सर। हम ब्रह्मा जी का दूसरा रूप है, परम राक्षस जिसको कहते हैं, के नाम से आप प्रसिद्ध थोड़ा हो गया जी भैया। तो बहुत खराब था, बहुत ज़्यादा पानी गिरा क्या है हमारे इधर, पानी डेली बरसता है। अगर ये बारिश नहीं होगी तो हम लोग जाते मर जाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ जो तुम्हारे वहाँ गड्ढा करके पानी निकालते पेड़ डाल के, वो तो हमारे वहाँ होता नहीं है। बस हम लोग यही भरे पानी से काम चलाते हैं, खाना भी होता नहीं। भूख अब भूख लगी है, अब रात का इंतजार करेंगे। वो जो डिब्बे लगे हैं इसमें खाना भर रहे हैं, अब रात को 9 बजे तक भर जाएंगे, फिर चालू हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद में खाएंगे। हमारे वहाँ तारों से खाना पकता है। तारों से? हाँ। कौन सा तारों? ये तारों की वो तारों, तारों तारों मतलब ये जो तार लगे हैं ये। अच्छा, ये तार वायर। हाँ वायर। ये क्या हुआ, खड़े क्यों हैं ये? मतलब वो जा रहे थे कौवे ना, इसीलिए खड़े। कौवा के दादा जी? कौवा के दादा थे, दादी थी, चाची थी, चाचा थे। हाँ हमारे वहाँ कौवों की इज्जत होती है। ये हमारे वहाँ प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह की इज्जत नहीं होती हमारे वहाँ कौवों की, क्योंकि कौवे की इज्जत करोगे तो कौवे तुम्हारी इज्जत करेंगे, और कौवे को तुम खाना दोगे तो कौवे तुमको दूध देंगे। कौवे में दूध देंगे जी? सर बढ़िया है दूध हमारे वहाँ का, तो वो दूध नहीं तो हमारे वहाँ कौवा दूध देते हैं ना, इसीलिए तो हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, पालन करते हैं थोड़ा। कहाँ भाई? ये मतलब हमारे वहाँ जो लेडीजें होती हैं वो पहनती हैं। हाँ कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। यहाँ से कितनी दूर आपका घर है? यहाँ से हमारा घर है 5 किलोमीटर। अभी भी 5 किलोमीटर जी सर, आप बहुत दूर तक गए। 5 इधर 10 उधर 15 किलोमीटर घुमा चुके हैं, और तेल डालने का पैसा नहीं है, बस गरीब हैं। ई पे आ गया आप तो? बस यही दुआ करूंगा कि घर तक पहुंच जाए मेरी गाड़ी। सर ये क्या है? वो है क्या सर? ये वो है ना जो हम बताए थे छत पे पिछली बार, वही वो है। वो देखो यहाँ पे अकेला बना हुआ है। नहीं तो वो को दूर रखते हैं ना, वो को दूर रखते हैं, पास में होंगे तो लड़ने लगेंगे ना सर। ये लड़ जाएगा फिर तो ये भैया क्या हाल है भैया? ये हमारे गांव के बड़े भैया सर, ये हम लोग को खाना देते हैं। ये डाले भाई, ये बड़े भैया हम लोग को खाना, बड़े भैया खाना डालेंगे, बड़े भैया खाना देते हैं हमें को, अभी हम लोग को खाना देते देंगे अपने घर पे जा करके। बड़े भैया को, बड़े भैया कुछ खाना वाना खिला दीजिए हम लोग को, गरीब आदमी भैया कुछ खाना वाना खिला दीजिए भैया। 2 रुपये को टॉफी लेते यार भाई। चेहरे में क्या हो गया सर? आपके चेहरे में क्या हो गया भैया? सर अभी आप हमसे बदतमीजी करेंगे तो हम भी बदतमीजी करेंगे सर आपसे। आप सर हमसे लड़ाई करेंगे क्या? लड़ाई करना है, लड़ाई करना है सर। आप गाड़ी के आ गए, आइए आप के लिए तो हमारी गाड़ी का भी। बड़े भैया हमें लग रहा है नाराज हो गए हैं, इनकी चड्डी गीली हो गई है लग रहा है। बड़े भैया
बड़े भैया की चड्डी गीली हो गई। पीछे आ रहे, पीछे आ रहे हमारे बड़े भाई। हाँ ये रहे हमारे, ये हमारे रहे बड़े भैया का घर, वही जो बड़े भैया थे उन्हीं का था, यही है घर। ये कौन से बड़े भैया भाई? ये हमको खुद नहीं पता, ये आपके भैया है ना, आपकी रिश्तेदारी यहाँ तक है? अरे सर ऐसे ही मोहल्ले के नाते थे, बता दिए। वाह वाह, आपका मोहल्ला का नाता बड़ा तगड़ा है। क्या तक नहीं पूछा? कुछ नहीं मुझे आता। हमारे वहाँ कौवा टहलेंगे नहीं तो दूध कैसे मिलेगा? दूध नहीं मिलेगा तो हम लोग बनाएंगे कैसे अपना सेहत? हम कौवे के दूध से अपना बनाते हैं, बहुत बनाई है हमने कौवे के दूध से, बोटी बाटी 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 जो कहा। हाँ बाटी लगाते हैं। नहीं बाटी हमारे शरीर से उठक है, मीठा लेके उसका मारे करत है उससे उठत है बाटी। खाना नहीं कौवे का दूध पीते हैं भाई, मेरी 70 साल की उम्र है, अभी भी हम जवान हैं, इसीलिए तो हम कौवों की इज्जत करते हैं। कौवे हमको दूध देते हैं, कौवे की इज्जत करो, आप इस सेहत से तंदुरुस्त रहोगे। जी भैया, अभी से कौवों का दूध पियो। हाँ पी लो भाई, अभी जाओ पी लो। हाँ पी लो, मुँह लगा के पीना। पर उसकी छाती है ना? छाती नहीं, उसके तो पूरा दूध है। छाती क्या होता है ये? छाती सर जिसे उठा उठा के ऊँची ऊँची खाल होती है। ऊँची ऊँची खाल? हाँ तो मेरे भी है ऊँची ऊँची खाल। हाँ यही तो है। यहाँ से क्या निकलता है? दूध निकलता है। अब वो तो मैं इतने दिनों से फालतू कौवे का दूध ढूंढ लिया था, तो निकाल देते होंगे तो ऐसे वही नहीं देंगे। मैं तो इसको फेंक देता था, इससे क्या होता है? इससे तो दहेज करते हैं। वाह अपनी नहीं पड़ेगी। हाँ लोगों की पड़ेगी, तो निकालने का ही फायदा है, क्योंकि अगर लोगों को देंगे तो लोगों को पिला दीजिए, पिला दीजिए। नहीं 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 नहीं, उनको सबको देंगे तो पावरफुल हो जाएंगे मुझसे भी ज़्यादा। तो सर उनका अपने में डाल लीजिए। नहीं मैं ये नहीं करता, मैं ना किसी का लेता हूँ ना किसी को देता हूँ। ये हमारे वहाँ का समुंदर है, इसमें हमारे वहाँ नमक पाया जाता है। नमक? हाँ नमक निकालते हैं ना यहाँ से। वह नमक इसमें चक्की चल रही है अंदर, बीचों बीच में कल निकाल के आपको दिखाएंगे। हाँ वो चक्की हमें दिखा देंगे आप कल, देख लेना कल। अभी रात हो रही है इसलिए हमको जाना पड़ेगा। कहाँ पे? अच्छा अच्छा सर बहुत बढ़िया। सर आपके वहाँ नमक भी पैदा होता है, सर आपके वहाँ पानी भी बनाने वाली फैक्ट्री भी लगी हुई है। हमारे वहाँ हर एक चीज़ पाओगे। जी भैया सर आप बहुत खुश नसीब है जो उत्तर प्रदेश में जन्म लिए। कहा था ऐसा जन्म हमको दोबारा मिले, पर हम अगले साल हम दूसरे ज़िले में जन्म लेना चाहते हैं। और अच्छे कुमार हैं भाई जो जो यूट्यूब पर आते हैं, टी वी पर आते हैं, बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं, उनके घर पैदा हो हम चाहते हैं। उनके घर की पैदा हो ना, वो आपके घर पैदा हो ना। हाँ वो हमारे घर पैदा हो या हम उनके घर, बात तो वही रहेगी। बात वो नहीं तो वो मतलब कुछ और था, पता नहीं पाएंगे ना। आप बता नहीं पाएंगे, वो सब दिखाएंगे आपको इसको आगे चल के। ये सब हमारे वहाँ का खराब रास्ता है। हमारे वहाँ कुत्ते तो फिर हमारे वहाँ शेर जो होते हैं वो हम लोगों से बहुत डरते हैं। और आपके वहाँ शेर? हमारे वहाँ तो शेर तो हमें तो
तुम लोग तैरो तो डरते हो? वाह, हमारे वहाँ का तो हर एक चीज उल्टा पुलटा है। हम लोग सब दूसरी दुनिया में रहते हैं ना। हाँ, दुनिया का फर्क होता है, जैसे कंगारू है टीम की इलाहाबादी। हम लोग यहाँ पहुँचने हैं बिलहारा रोड। बिलहारा रोड जी। बिलहारा रोड कहाँ पे है? ये नंगा ब्लवा। नंगा ब्लवा पे आगे जी। फिर वहाँ पे वो अंकल बैठे तो ना होंगे? अरे वो अंकल से मत डरो। फिर वो अंकल अभी रोड से जो कहीं रास्ते पर चलान वालान कर देते हैं, इसलिए आप देख लेगा तो चलेंगे चलान वाले। अरे उससे मैं अरे तुम बैठे रहो, तुमने गाड़ क्यों पड़ती है? गाड़ी हमारी है। क्या बताइए, हेलमेट वाला ना था लगाए? और इनकी रात को हम लोग कहाँ गए? अब हम लोग आ चुके हैं अपने घर। अपने घर सर, आप सर कौन सा है? हमारा घर इलाहाबाद। इलाहाबाद कैसे? इलाहाबाद आ गए।